अगर किसी को खाना खिलाना अगर कोई गुनाह है तो ये गुनाह तो हम बार बार दोहराएंगे। इस बिहार में नेता तो आपने बहुत सारा देखा होगा, लेकिन मसीहा आप पहला बार देख रहे हैं। सरकार अपनी नीतियां दिखा सकती है, 32 साल पुराने केसेस खोल सकती है, अगर वो सरकार है तो उसके हाथों में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो जनता को दिखना था कि ये गलत हो रहा है एक वैसे इंसान के साथ जो दिन रात लोगों के साथ खड़ा रहता है, चाहे वो कोरोना हो चाहे वो बाढ़ हो। गरीबों के मसीहा पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद कल एक खबर आई थी, ये पप्पू रसोई को भी सरकार ने बंद कर दिया है। हालांकि अब एक अच्छी खबर है, अच्छी खबर ये है जो अब फिर से पप्पू रसोई को चालू कर दिया गया है, और आप देख सकते हैं जो किस तरह से यहाँ पर जो है वो खाना बनाने की तैयारी चल रही है। पप्पू रसोई फिर से चालू हो गई है और फिर से अब गरीबों को खाना मिलेगा, गरीबों में कहीं ना कहीं अब खुशी की लहर फिर से दौड़ जाएगी। बिल्कुल, ये तो होना ही था, तो आप थोड़ी देर के लिए थम सकते हैं, रुक नहीं सकते, यही हमारा नारा है और हम इसी नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम थोड़ी देर के लिए थमे थे लेकिन हम रुके नहीं, हम फिर से शुरू हो गए हैं। बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं, हमारी रसोई चालू हो गई है, सेवा दल फिर से काम करेगा। आप कितना भी प्रयत्न कर लो हमें रोकने की, हम रुकेंगे नहीं, हम थमेंगे नहीं। जितना भी सरकार आपको रोकने की कोशिश करें आप लोग रुकेंगे नहीं और चलते रहेंगे। पप्पू यादव के हर एक कार्यकर्ता जो है वो खुद में एक पप्पू यादव हैं। बिल्कुल, अगर पप्पू यादव एक्चुअली एक विचारधारा है और जो भी लोग उनके साथ हैं या उनके पीछे हैं वो एक विचारधारा के पीछे हैं, तो इस विचारधारा में न रुकना है न थमना है, बस सेवा करते जाना है, सेवा ही करना है। और सरकार रोक रही है, सरकार अपना काम कर रही है, क्यों कर रही है ये तो सिर्फ सरकार को पता होगा, क्योंकि अगर किसी को खाना खिलाना अगर कोई गुनाह है तो ये गुनाह तो हम बार बार दोहराएंगे। कहीं ना कहीं जनता में एक आक्रोश है जो पप्पू यादव को जल्द से जल्द रिहा किया जाना चाहिए। बिहार की जनता का धन्यवाद है, और बिहार की जनता के साथ साथ देश की जनता और जो लोग विदेश में रह रहे हैं, चाहे वो बिहार के हो या किसी अन्य राज्य के हो, उनका भी सपोर्ट श्री पप्पू यादव जी को है। वी स्टैंड फॉर पप्पू यादव, हम उनके साथ खड़े रहेंगे, ये नारा बिहार के लोगों ने लगाया, ये नारा देश के लोगों ने लगाया। अगर ट्विटर पे अगर ये नंबर वन ट्रेंड कर रहा था तो सिर्फ बिहार की जनता की वजह से नहीं हुआ होगा, हमारी वजह से नहीं हुआ होगा, इसमें पूरे देश का साथ मिला पप्पू यादव जी को, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी अमेरिका से, इंग्लैंड से, न्यूजीलैंड से बहुत से ऐसे लोग थे जो उनका समर्थन कर रहे थे। और जो गलत है सो गलत है ना, गलत को तो गलत ही कहा जाएगा। सरकार अपनी नीतियां दिखा सकती है, 32 साल पुराने केसेस खोल सकती है, अगर वो सरकार है तो उसके हाथों में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो जनता को दिखना था कि ये गलत हो रहा है एक वैसे इंसान के साथ जो दिन रात लोगों के साथ खड़ा रहता है, चाहे वो कोरोना हो चाहे वो बाढ़ हो या फिर वो आत्मीय जो जुड़ाव है लोगों से श्री पप्पू यादव जी का, तो ये लोगों तक पहुंचा, और जिस तरीके से जनता हमारे साथ है, हमारे नेता के साथ है, हम इसी को अपना जीत मानते हैं। कहीं कहीं बिहार के लाखों करोड़ों जो लोगों का आशीर्वाद है वो पप्पू यादव जी के साथ है, और जल्द ही जो है अब पप्पू यादव के लिए अच्छी खबर आएगी उम्मीद है। जी, बिहार के लोग, पूरे देश के लोग और हम सारे लोग मिलके प्रार्थना कर ही रहे हैं, और उस प्रार्थना का फल भी मिलेगा। बहुत जल्द से जल्द हमारे नेता, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आप सबों के बीच, हमारे बीच, बिहार की जनता के बीच और देश के जनता के बीच बहुत जल्द आएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रदेश प्रवक्ता वरुण सिंह जी थे, आप क्या कुछ इन्होंने कहा आपने सुना। इनको उम्मीद है जो बहुत जल्द पप्पू यादव जी, गरीबों के मसीहा जो है, वो जल्द रिहा हो जाएंगे और एक अच्छी खबर जल्द आपको सुनने को मिल सकती है। गरीबों के मसीहा जननायक श्री पप्पू यादव जी के द्वारा ये लंगर का आयोजन जो किया गया था, ये सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा गरीबों को भोजन न मिले ये बंद करवा दिया गया था, लेकिन हमारे नेता आदरणीय श्री पप्पू यादव जी के निर्देशानुसार हम लोग अपने तरीके से सारे लोग मिलकर आज से फिर शुरुआत किए हैं, और जो भी ज़रूरतमंद कोरोना पेशेंट, उनके परिजन, जो भी जरूरत और जो भी हैं, सारे लोग, सेवा दल की जो टीम है वो आज भोजन पहुंचाने का कार्य करेंगे। हम लोग नेताजी के आदेश को गंभीरतापूर्वक लेकर भोजन पहुंचाने के लिए हर प्रयत्न जारी रखे हुए हैं कि कोई भी गरीब व्यक्ति भूखा ना रहे,
सरकार जो है चाहती है कि भूखे लोग, गरीब जो गरीब व्यक्ति हैं उनको भोजन ना मिले और उनकी मौत हो जाए। इसीलिए ये सेवा दल जो हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी ने जो शुरुआत किया था वो सरकार ने बंद कराने का काज किया है, और लेकिन फिर भी आज हम लोग ने शुरुआत कर दी है, बहुत जल्द लोगों के बीच में ये लंगर का भोजन चालू हो जाएगा। ये गरीबों के लिए हमारे नेता ही वरदान है। इस बिहार में नेता तो आपने बहुत सारा देखा होगा, लेकिन मसीहा आप पहला बार देख रहे हैं। और हमारे नेता आदरणीय जननायक श्री पप्पू यादव जी, मसीहा ये गरीब का ऐसी नहीं है, इन्होंने गरीब के लिए पल पल जो व्यक्ति कार्य करता हो उनके बारे में विशेष मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि बिहार की जनता उनके बारे में बखूबी जानता है लोग कि ये गरीब के लिए जीने वाले व्यक्ति हैं। और जहां तक भोजन की बात है तो उनके निर्देशानुसार सारा प्रयत्न हम लोग जारी रखे हुए हैं, और हर पल गरीब लोग के लिए हम लोग प्रयत्नशील हैं, और बहुत जल्द हम उन लोग के बीच में अब रहेंगे।